सो गाइस अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कंपटीशन हो चुका है, तो अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो और किस तरीके से आपको स्टार्टिंग के दिनों में टाइटल फाइट करना होता है, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना चाहिए, कौन से पे नहीं बनाना चाहिए, आपके चैनल के हिसाब से कौन सा बैच रहने वाला है, कौन सा बैच नहीं रहने वाला है, तो ये अगर आपको पता होता है तभी आप अपने चैनल को काफ़ी फास्ट ग्रो कर पाते हो। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप अपना टाइटल जो फाइंड कर सकते हो और अपने किस तरीके से टैग वगैरह आपको फाइंड करने हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्यूबडी। यहाँ पे देखिए ट्यूबडी सर्च करने के बाद इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इस ऐप को अगर आप सही से यूज़ करते हो तो आप अपने चैनल को काफ़ी फास्ट ग्रो कर पाते हो, लेकिन अगर आप इसे सही से यूज़ नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है भले ही आप कितने ही वीडियो बना लो। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, राइट स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है साइन इन विथ गूगल, तो आपको उसी जीमेल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन करना है जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना होगा। तो यहाँ से मैं साइन इन विथ गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जितने भी आपके जीमेल अकाउंट होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे भी आपका यूट्यूब चैनल बना होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी आपकी उस जीमेल से चैनल बना होगा वो चैनल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा चैनल आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कॉर्नर में देख पा रहे हो मेन्यू, आपको मेन्यू पे क्लिक कर देना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैग एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है तभी आप यहाँ पर अच्छे से जो टाइटल है वो फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैग सेक्शन में अपने चैनल के अकॉर्डिंग यानी कि आप किस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हो तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे आपको टैग डालना है। जैसे मान लीजिए अगर आप YouTube पे बनाते हो कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो इस तरीके से अगर आपका चैनल है या फिर आपका कुकिंग का चैनल है तो जिस भी टॉपिक का आपका चैनल है उसी तरीके के आपको यहाँ पर कीवर्ड फाइंड करने होंगे, जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करता है कीवर्ड फाइंड करने में कि कौन से पे आपको वीडियो बनाना चाहिए कौन से पे नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं एक जो टाइटल है वो फाइंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया है न्यू यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यहाँ पे मैं इसे सर्च कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सर्च वॉल्यूम, उसके बाद में सेकेंड आपको देखने को मिलता है कॉम्पिटिशन और थर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओवरऑल स्कोर। तो यहाँ पर देखिए जो सर्च वॉल्यूम है वो वेरी हाई है और उसके बाद में जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है वो एवरेज है और यहाँ पर ओवरऑल जो स्कोर है वो 100 है। तो इस तरीके से आपको देख के अपनी वीडियो नहीं बनानी है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ओवरऑल स्कोर में ग्रेट बताया गया है यानी कि आप इस पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन होता क्या है दोस्तों अगर आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल है तो आप अगर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि जो कॉम्पिटिशन है वो एवरेज है। तो अगर आपका न्यू यूट्यूब चैनल है तो आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आपके इस कीवर्ड के हिसाब से आपको कंपटीशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलते हैं रिलेटेड टैग, तो यहाँ पे आपको रिलेटेड जो टैग्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, जैसे कि देखिए यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, एक्सप्लोर दिस टैग पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको इस टैग का जो है यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिलेगा, जिसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सर्च वॉल्यूम है वो लो है और यहाँ पे कंपटीशन हाई है और ओवरऑल स्कोर जो है वो बैड है, तो यानी कि इस पे आपको वीडियो नहीं बनाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपटीशन जो है वो लो देखना होता है, अगर कंपटीशन लो है तो उस पे आपको वीडियो बनाना है, लेकिन कंपटीशन लो है और सर्च थोड़ा बहुत होना चाहिए लो हाई, तो अगर वेरी लो होता है सर्च वॉल्यूम तो उस पर आपको वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि उस टॉपिक को लोग देखना ही नहीं चाहते तो आपको उस पर वीडियो भी नहीं बनाना है। तो इस तरीके से आपको और यहाँ पे चेंज करने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़ ऑन यूट्यूब, तो अगर आप इसको यहाँ पे फाइंड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लोर दिस टैग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब आपको इस कीवर्ड का जो स्कोर है देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्च वॉल्यूम वेरी हाई और यहाँ पर कॉम्पिटिशन लो और यहाँ पर ओवरऑल स्कोर जो है वो ग्रेट यहाँ पर बताया गया है, तो आप इस पर भी वीडियो बना सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिशन अगर यहाँ पर वेरी लो होता है
तभी आपको उस पर वीडियो बनाना है। अगर लो होता है तब भी आप बना सकते हो, हाई पे एवरेज पे नहीं आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छी समझ में आया होगा कि ट्यूबबडी एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप इसको प्रो वर्ज़न यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रो वर्ज़न भी ले सकते हो। उसमें आपको और भी काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 3 टैग्स। अगर आप इसका प्रो वर्ज़न लेते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो अनलिमिटेड टैग्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑटो कम्प्लीट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो टैग हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्ज़न यूज करते हो तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा टैग देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो जिसका भी कंपटीशन यहाँ पे लो हो उसे आपको सेलेक्ट करना है और अपनी वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में डालना है। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे सेलेक्ट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।